फ्रेंड्स, मैं हूँ दिव्या और आप सबका फिर से स्वागत है बेसिक विद दिव्या में। आज हम लोग एक बर्फी बनाएंगे। ये बर्फी मैंने इंडिपेंडेंस डे को ध्यान में रखते हुए बनाने का सोचा है। जिस तरह हमारे नेशनल फ्लैग में 3 कलर्स होते हैं, सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन, उसी तरह हम लोग अपनी बर्फी को भी कलरफुल बनाएंगे। सो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बर्फी 3 लेयर्स में बनेगी। इसके लिए सबसे पहले हम लोग गैस ऑन करते हैं। इससे पहले हम लोग इसमें 2 स्पून घी डालेंगे। घी को पहले थोड़ा गरम कर ले। घी मेरी गरम हो गई है, इसमें हम लोग मिल्क डालेंगे। मिल्क अराउंड 7 to 8 स्पून डालेंगे। अगर एक्स्ट्रा मिल्क का रिक्वायर्ड होगा तो वो हम लोग बाद में डालेंगे। और इसे एकदम लो फ्लेम में थोड़ा सिझाएंगे। अब इसमें हम लोग 1 बाउल मिल्क पाउडर डालेंगे। आप, मैं यहाँ पर अमूल्या का ले रही हूँ, आप कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हो। अब इसमें हम लोग शुगर डालेंगे। शुगर यहाँ पे मैं 3 स्पून डाल रही हूँ। शुगर को थोड़ा मेल्ट करेंगे। इसमें थोड़ी मिल्क और जाएगी। अराउंड 2 स्पून मैंने मिल्क और डाला है इसमें। अब इसमें हम लोग 2 स्पून फ्रेश क्रीम डालेंगे। ये घर की मलाई है जो नॉर्मल दूध में होती है। अब हम इसमें ये पिस्ता डालेंगे। ये नॉर्मल पिस्ता, ये अनसॉल्टेड पिस्ता है। अराउंड ये 50 ग्राम के आसपास है। और इसमें मैंने 3-4 पीस इलायची डालकर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। तो मैंने एक बड़ा बाउल यहाँ पे मिल्क पाउडर लिया था, तो उसका हाफ मैं पिस्ता ले लूँ। आप देख रहे हैं ऑलरेडी इसमें ग्रीन कलर आ गई है। इसे कंटिन्यूसली स्टेयर करते रहेंगे। अब इसमें हम लोग एकदम थोड़ी सी फूड कलर ऐड करेंगे, अराउंड 2 to 3 ड्रॉप्स। आप लोग देख रहे होंगे इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो रही है। बस इस गैस स्टैंड ऑफ कर देना है, इसे ठंडा होने के लिए चलाते रहना है। मेरे पास कोई स्क्वायर शेप में मोल्ड नहीं था, इसमें मैंने नॉर्मल प्लास्टिक का बॉक्स लिया है स्क्वायर शेप का। उसमें बटर पेपर लगाकर घी से ग्रीस करके बटर पेपर को लगा दिया है। अब हम लोग इसको इसमें निकाल देंगे और सेट करने के लिए फ्रीज में रख देंगे 10 to 15 मिनट्स के लिए। देखिए हमारी फर्स्ट लेयर फ्रीज में रखने के लिए रेडी हो गई है। अब हम लोग सेकेंड लेयर बनाएंगे। सेकेंड लेयर हम लोग वाइट बनाएंगे। तो वाइट के लिए प्रोसेस वही रहेगा। सबसे पहले हम लोग 2 स्पून घी डालेंगे। घी को हल्का गर्म होने देंगे। उसके बाद 7 to 8 स्पून मिल्क डालेंगे। लो फ्लेम में दोनों को चलाएंगे। इसे कंटिन्यूसली स्टेयर करते रहना है।
व्हाइट लेयर के लिए मैंने यहाँ पे कोकोनट लिया है। ये फ्रेश कोकोनट है, इसे छोटे छोटे पीसेस में काट कर मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया और इसकी ऊपर की लेयर को पील ऑफ कर लिया था। अब इसमें हम लोग फ्रेश कोकोनट डालेंगे, फिर इसे स्टेयर करते रहेंगे। अब इसमें हम लोग 2 स्पून फ्रेश क्रीम डालेंगे। अब फ्लेम को हाई कर लेंगे। अब इसमें हम लोग 1 बाउल मिल्क पाउडर डालेंगे। ऐसे कंटिन्यूअसली स्टर करते रहेंगे। अब इसमें हम लोग 3 स्पून शुगर डालेंगे। इसे हमें कंटिन्यूसली स्टेयर करते रहना है जब तक ये ठीक हो जाए। आप लोग देख रहे होंगे ये ठीक हो गई है एकदम। हम लोग गैस बंद कर देंगे। फर्स्ट लेयर देखिए मेरी सेट हो गई है, और इसमें हम लोग सेकेंड लेयर डालेंगे। इसे हम लोग स्पून की हेल्प से प्रेस करते हुए आगे फैलाएंगे। अब इसे अगेन सेट करने के लिए फ्रिज में 10 to 15 मिनट्स के लिए रख देंगे। थर्ड लेयर हम लोग का शेफ्रन होगा। प्रोसेस वापस वही रहेगा। टू स्पून घी, 1/2 hour ये मैंने 1/2 आवर पहले सैफरन को मिल्क में डाल के डाइल्यूट करने के लिए रख दिया था। इसमें मैंने अराउंड 15 to 20 थ्रेड सैफरन के डाला था। इसे कंटिन्यूसली लो फ्लेम पे स्टर करते रहना है। अब यहाँ पे हम लोग फ्रेश क्रीम डालेंगे 2 स्पून। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑरेंज कलर डालेंगे। कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने नेशनल फ्लैग को ध्यान में रखते हुए कलर का यूज किया है, इसलिए मैं यहाँ पे कलर डाल रही हूँ। अदरवाइज आप कलर स्किप कर सकते हो। अराउंड 2 to 3 ड्रॉप। अब इसमें 1 बाउल मिल्क पाउडर डालेंगे। पाउडर डालने के बाद हमें कंटिन्यूअसली स्टर करते रहना है। इसमें हम लोग शुगर डालेंगे। शुगर इसमें हम लोग 2 स्पून डालेंगे क्योंकि इसमें हम लोग एडिशनल कुछ कुछ ऐड नहीं किए हैं, इसलिए। याद रखिएगा इसे हमें लो फ्लेम पे ही चलाते रहना है। अब गैस ऑफ कर देंगे। ये लेयर भी जैसा आपने देख रहे हो मेरा सेट हो गया है। अब इसमें हम लोग थर्ड लेयर डालेंगे। आई नो ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, बट इंडिपेंडेंस डे है, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया। आप चाहे तो
स्किप कर सकते हो, आप कोई भी एक कलर का बना सकते हो। इसे हम लोग स्पून की हेल्प से प्रेस करते हुए आगे फैलाएंगे। अब इसमें हम लोग ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स एकदम ऑप्शनल है, आपको अगर पसंद हो तो आप डाल सकते हो, नहीं पसंद हो तो स्किप कर सकते हो, और आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप वो इसमें डाल सकते हो। अब इसे अगेन सेट करने के लिए फ्रिज में 10 to 15 मिनट्स के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड कैसा लगा आज का वीडियो आप लोगों को? इसे पक्का इंडिपेंडेंस डे में बनाना, खाना और खिलाना, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। इसके तीनों लेयर के इसके अलग अलग टेस्ट है। ग्रीन लेयर में पिस्ता और इलायची की टेस्ट आ रही है, व्हाइट लेयर में कोकोनट फ्लेवर आ रहा है, एंड ऑरेंज लेयर में सैफरन का टेस्ट आ रहा है। सो प्लीज़ ज़रूर एक बार ट्राई करना एंड मुझे कमेंट करके पक्का बताना। मेरे वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।